फ्रेंड्स, मैं हूं राधिका। सलमान खान का स्टारडम ही है कि रेस थ्री को तगड़ा नेगेटिव रिस्पांस मिलने के बावजूद फिल्म रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म इस साल की पहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। वहीं अब फिल्म ने नया रिकॉर्ड भी बना लिया है। फिल्म इस साल की सबसे तेज 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई है। जी हाँ, रेस थ्री ने 3 दिन में सबसे तेज 100 करोड़ कमाकर कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। रेस थ्री से पहले पद्मावत, सोनू के टीटू की स्वेटी, रेज, बागी 2, राजी और हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर ने इंडिया में 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली है। लेकिन रेस थ्री इस साल की सबसे तेज 100 करोड़ी फिल्म साबित हुई। फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में 100 करोड़ कमा डाले। वैसे अब फिल्म की कमाई पर असर पड़ सकता है क्योंकि फिल्म को काफी नेगेटिव रिएक्शन मिले हैं। वैसे आज के टाइम में 100 करोड़ क्लब भी पुराना हो चला है। अब बड़ी फिल्मों का कलेक्शन 200-300 करोड़ से जाना जाता है, जो रेस थ्री के लिए काफी मुश्किल लग रहा है क्योंकि फिल्म की माउथ पब्लिसिटी काफी खराब हुई है। वेल, तो अब शुरू हुआ है सलमान का असली इम्तिहान। अब सलमान खान के इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, ये देखने वाली बात होगी।